सिर पर पति का साया नहीं और दो बच्चों की अपंगता, ना कोई रोजगार और ना ही कोई आर्थिक मदद देने वाला। बड़ी ही दयनीय हालत में ये विधवा महिला बच्चों की दवाई और घर खर्च चला रही है। हम बात कर रहे हैं उपमंडल नादौन की ग्राम पंचायत बेला के रहने वाली बबीता कुमारी पत्नी स्वर्गीय रमेश चंद, जिनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा सुजल 16 वर्ष तथा छोटा बेटा यक्ष 7 वर्ष का है। विडंबना ये है कि दोनों बच्चे हैंडीकैप हैं। छोटा बेटा 100% हैंडीकैप है और बड़ा बेटा 45% हैंडीकैप है। परिवार बड़ी ही बदहाली में जीवन यापन करने को मजबूर है। जो पुश्तैनी 5 मरले जमीन थी, वह भी 5 हिस्सों में बंट चुकी है। बबीता कुमारी के पास रहने के लिए एक कच्चा कमरा है, वह भी खराब हालत में है, जिसमें जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। क्योंकि घर ब्यास नदी के किनारे पर है, तो अक्सर घर के अंदर सांप व कई तरह के जहरीले कीड़े निकलते रहते हैं, जिसके कारण इनकी जान को भी खतरा बना रहता है। बबीता कुमारी के पति का स्वर्गवास हो चुका है। इनके पास ना रोजगार है और ना जमीन, ना ही कोई कामकाज है, परंतु आज तक पंचायत से इन्हें कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। दोनों बच्चों के टांडा तथा PGI से ट्रीटमेंट चले हुए हैं। बड़ी ही दयनीय स्थिति में वह अपने घर का गुजारा और बच्चों का पालन पोषण कर रही है। इन्होंने कई बार सरकार के सामने गुहार लगाई, लेकिन आज दिन तक इनकी कोई मदद नहीं हो पाई है। बबीता कुमारी के अनुसार सिर पर पति का साया ना होने के कारण आज वह स्थिति से गुजर रही हैं। उन्होंने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई है। उधर बेला पंचायत प्रधान किशोरी लाल ने कहा कि परिवार की हालत दयनीय है तथा इस परिवार को BPL में लिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत में प्रस्ताव डालकर भेज दिया गया है। जल्द ही इनके आवास की समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये बच्चे दोनों ही बचपन से ही ऐसे ही है। पति के जाने के बाद मैंने इनका दोनों PGI और कांगड़ा का ट्रीटमेंट चला हुआ है, टांडा का। तो आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे कर रहे हैं जी? सर, जो पेंशन मिलती है बच्चों को, वही उससे कर रही हूँ। मुझसे और उसके बाद ना कोई रोजगार है, ना मकान के लिए पैसा है मेरे पास, ना ही जमीन है मेरे पास, और बच्चों का ट्रीटमेंट दोनों ही लगातार चल रही है। और जब हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो कितना आ जाता है मैक्सिमम? मैक्सिमम 1 साल का 1,40,000 आ जाता है। तो वो गुजारा कहाँ से कर रहे हैं आप? सर, उधारी है, लोगों से लिया हुआ है मैंने। अभी बार लोग ऐसे आंखों से बोलते नहीं है, मुंह से पर आंखों की उल्टी से पता चल जाता है। तो आज दिन तक आपकी कोई आर्थिक मदद सरकार के द्वारा की गई क्या? नहीं, सरकार के द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। और मैंने न दोनों कहीं भी गई हूँ तो भी मुझे आर्थिक सहायता नहीं मिली। किसी भी नेता के पास खड़ी हुई हूँ, जो भी है SGM हो, कुछ भी है, जो जिनके पास, वो बड़े ऑफिसर अमन के पास भी गई थी पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं विधायक के पास भी गई थी और उनके पास भी अर्जी दी थी पर उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। यही गुजारिश करती हूँ कि मेरे बच्चों के आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाए और उन्हें रोजगार भी दिया जाए, जिससे मैं अपने बच्चों के साथ उनका पालन पोषण अच्छे तरह से कर सकूँ। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए नादौन से रविंद्र चंदेल के साथ हैप्पी जामरा।